हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए ढोल डांस स्टेप लेके आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आप ढोल पर डांस करना सीख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं करती जाऊँ, आप मुझे फॉलो करते जाइए और बहुत ही इजी तरीके से आप 10 या पूरे 15 मिनट में डांस कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी राइट लेग को उठाना है, ज़मीन पर तेज़ी के साथ रखना है और लेफ्ट लेग हमारी राइट लेग के साथ थोड़ी थोड़ी सी खिसकेगी। हाथों को बिल्कुल ऊपर रखना है। दोबारा से राइट लेग ज़मीन पर और लेफ्ट उसके साथ साथ थोड़ा मूव करेगी। अब हम थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 दोबारा से देखेंगे। 1 2 3 4 ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपने अपनी राइट लेग को लेफ्ट लेग की ओर ले जाना है, फिर स्ट्रेट आना है, फिर लेफ्ट की ओर ले जाना है, फिर स्ट्रेट आना है। ऐसे ही आपको करना है और हाथ आपके ऊपर रहेंगे। फिर से आपकी लेफ्ट लेग राइट लेग की ओर आएगी और फिर स्ट्रेट जाएगी। जैसे ही आपकी राइट लेग लेफ्ट लेग की ओर आएगी, नीचे आपने ताली बजानी है। फिर जब बैक पोजीशन अपनी स्ट्रेट पोजीशन होगी तो हाथों को ऊपर ले जाना है। चलिए स्पीड में करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 एंड 6 अब दूसरी वाली साइड सेम करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है। अगर आप मेरे साथ साथ इस डांस को करते जाएंगे तो मतलब 4-5 बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में आपने राइट लेग को उठाना है, फिर लेफ्ट लेग को उठाना है, राइट को उठाना है, लेफ्ट को उठाना है। और ध्यान रहे, जब आप राइट लेग को उठाएंगे तो लेफ्ट से हल्का सा जंप करेंगे और लेफ्ट उठाएंगे तो हल्का सा राइट से जंप करेंगे। ये देखिए, ऐसे सेम राइट उठा रहे हैं लेफ्ट से जंप और लेफ्ट उठाएंगे तो राइट से जंप। हाथों को ऊपर ही रखना है और पैरों को जंप करते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे, दूसरे से जंप करेंगे। स्पीड में करेंगे। 1 2 3 4 5 ये अब अपना स्टेप कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप में आपने राइट लेग को बाहर झटके के साथ फेंकना है और लेफ्ट लेग को भी ऐसे ही झटके के साथ बाहर लाना है। हाथों की पोजीशन सेम ऐसी रहेगी जैसे मैं कर रही हूँ। हाथों की हथेलियों को खोलना है, नीचे लाते हुए भी खोलना है। पैर को जैसे ही आप बाहर लाएंगे, लेफ्ट लेग को बाहर लाएंगे तो राइट से आपको हल्का सा जंप करना है। जैसे आपने पिछले वाले स्टेप में किया था, सेम ऐसे करना है। स्पीड में करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये थे आज के 3 ढोल स्टेप। और ये कैसे लगे आपको, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप बहुत अच्छे से ढोल पर डांस करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ साथ आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपके ढोल जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो पाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और भी वीडियोज़ बनाती रहूँ। अपने प्यार के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।